कहा था जौहर साहब, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर है, उन्होंने कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यही रिश्तों को कायम रखने के लिए, इन्हीं रिश्तों को कायम रखने के लिए आज की महफिल सजाई गई है। दोस्तों, इस महफिल में आए हुए तमाम मेहमानान, तमाम शुरा का हम इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आज के प्रोग्राम को चलाने के लिए। जिस तरह के आप जानते हैं, हर किसी एक प्रोग्राम को चलाने के लिए किसी न किसी जिम्मेदार की जरूरत होती है। सूत्र संचालन करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हिंदुस्तान भर के मशहूर नाजिम, जिन्हें हम और आप डॉक्टर जाहिद नैयर के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें इन मित्रों के साथ आवाज देता हूं, माइक उनके हवाले करता हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जनाबे डॉक्टर जाहिद नैयर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, सर्वधम संभाव समिति पुलगांव और शकील खान साहब मित्र मंडल पुलगांव की जानिब से आज यहाँ पर एक अजीमोशान कवि सम्मेलन और मुशायरे का इनेकाद किया गया है। मैं डॉक्टर जाहिद नैयर, मेरे तमाम शोरा हजरात की जानिब से और मुंतजमीन की जानिब से आप तमाम का यहाँ पर दिली खैर मकदम करता हूँ और अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, और फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हर एक फन में वही तो कमाल रखता है, हर एक फन में वही तो कमाल रखता है, कभी उरूज कभी वो जवाल रखता है, हर एक फन में वही तो कमाल रखता है, कभी उरूज कभी वो जवाल रखता है, कभी उरूज कभी वो जवाल रखता है, और हजार माओं से बढ़कर है, हजार माओं से बढ़कर है गमगुसारी उसकी, मैं सो भी जाऊं मेरी देखभाल रखता है, मैं सो भी जाऊं मेरी देखभाल लगता है। आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम मुशायरे के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक अहम ऐलान ये करना है कि हर जैसा कि हर मुशायरे के लिए एक नाजिम की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मुशायरे के लिए एक सदर की भी ज़रूरत होती है। मैं वर्धा ज़िले की बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत, अदब नवाज शख्सियत, मुंतजमीन की जानिब से मुझे ये ऐलान करने के लिए कहा गया है, अब्दुल हमीद साहब जो कि एक अदब नवाज शख्सियत है वर्धा की, मैं सदारत के लिए उनके नाम का ऐलान करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वह स्टेज पर तशरीफ लाए। आप जोरदार तालियों के बीच में जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब का यहां पर खैर मकदम करें। जो इस मुशायरे के इस कवि सम्मेलन की संचालक कर रहे हैं डॉक्टर जाहिद नैयर, उन्होंने इस मुशायरे की अध्यक्षता के लिए, सदारत के लिए जो नाम पेश किया है, मैं उसकी भरपूर तायद करता हूँ। सदर साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइए मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, कि उर्दू भी हमारी है हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है
हिंदी भी हमारी है, एक आबिदा खानम है, एक राजकुमारी है। के हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक आबिदा खानम है, एक राजकुमारी है। दोस्तों, सर्वधर्म संभाव समिति पुलगांव की जानिब से और शकील खान साहब मित्र मंडल की जानिब से इस अजीम शान महफिल मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया है। किसी कवि ने यह कहा है कि हिंदी आंधी है और उर्दू तूफान है, तो आइए हम मिलकर हिंदी और उर्दू का संगम मिलकर कुछ करते हैं और देश से इस नफरत भरे माहौल को ख़त्म करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां इस समिति के लिए, शकील खान साहब के लिए और इनके पूरी टीम के लिए। आइए दोस्तों, मुशायरे की पहली कड़ी की तरफ चलते हैं। हमदे बारे ताला के बाद आइए उसका जिक्र करें जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो सिर्फ रहमतुल्लिल मुसलमीन नहीं है, जिसके सदके में ये कायनात को बनाया गया। शायर कहता है, इससे से तवज्जो चाहूंगा, कि माँ ने बचपन में सिखाया था मोहम्मद का सबक, माँ ने बचपन में सिखाया था मोहम्मद का सबक, ये सबक याद रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊं। माँ ने बचपन में सिखाया था मोहम्मद का सबक, ये सबक याद रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊं। मेरे सीने से तेरे चाहने वाले गुजरे, ऐ मोहम्मद मैं तेरे शहर का रास्ता हो जाऊं। एक शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा है, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए कहा है, कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। और ये शायर सिख शायर है, कोई मुसलमान शायर के मिसरे नहीं पढ़ रहा हूं मैं। जी जी, कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आइए दोस्तों, बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए दारो सुरूर बरहानपुर के एक बाकमाल शायर जनाब अफजल दानिश से मैं इन चार मिसरों की रोशनी में गुजारिश करता हूं कि वो आए और नाते पाक यहाँ पे पेश करें, कि जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बारगाह रिसालत मआब में नात का हदिया पेश करेंगे जनाब अफजल दानिश।